हमने सुना है कि अवधेश प्रेमी से आपका 36 का आंकड़ा है, सही है गलत? किसी को क्यों तुलना करे, कोई हमारे लायक है या नहीं है तो? हमसे कोई 20 रहेगा तब ना उसका हम तुलना करेंगे भाई। मतलब कि आप उनसे आगे हैं। अब लिख दे कि हिट है वो वीडियो, देख हम कोई लाके बा हम ना लिखे हमारे इतना बा गाना भोजपुरी में कोई फायदा नहीं है माइक लाल की टच कर कि तानिया झा आपको गुरु मानती है। भेज बना दी हो झाजी सैया के 2 इंच बढ़ जाए अश्लील रही तो हमारा एगो गाना से 5,000 भोजपुरी के चैनल जी होता है, 5,000 सिंगर जी गई अश्लील रही तो 100 मिलियन व्यू जाए गाना के। जब आपको अश्लील लग रहा है तो भाई गाना मत सुनिए, आपको तो हम न्योता नहीं देने जा रहे हैं। अश्लील रहता तो 100 मिलियन व्यू जेबे नहीं करता, गाना ग्राउंड लेवल पर नहीं बजता। 2023 का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है, हम शो नहीं करते हैं, 4-4 चैनल पे ग्लोबल चैट पे ट्रेंडिंग में है, 1 नंबर पे 2 महीना से कंटिन्यू। क्रीम लगा के हम चमकैनी सूरत, एहे जवानी के आके उहे करिए मुहूर्त, की शादी होई तो सज धज के रहब पूरा रेडी, ओठ लगे मधुशाला हो अखियाई शराब के प्याला हो मन करेला देखत रही। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चर्चा बीसीटी न्यूज विचार आपका और मेहदी न्यूज में। आज हमारे साथ भोजपुरी इंडस्ट्री की 2 दिग्गज जोड़ी है, गीतकार और गायक की। आप सभी इन्हें जानते हैं, एक तो बैठे हुए हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में तहलका मचाने वाले पिया परदेसी जी, और दूसरे उनके साथी जोड़ीदार बैठे हुए है योगेश जी। तो आइए आज इन दोनों के साथ में चर्चा करेंगे और वो सारे सवाल पूछेंगे जो आप सभी के मन में है। आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले जितना भाई देखो तनी मेहदी न्यूज के बीटीसी न्यूज के फैन भोजपुरिया चैनल के और भैया के चैनल विचार आपका के देखो तनी, तो सब भाई के प्रणाम रही और सब भाई जे तरह हमरे के दुलार पे आशीर्वाद देते हैं, जाओ तरह आप सभी चारों चैनल के दुलार पे आशीर्वाद दी और साथ में कवि जी बानी आपका भी स्वागत है। तो सबसे पहले जितना लोग देखा था मेहदी न्यूज फैन भोजपुरिया विचार आपका चर्चा और बीसीटी सबके प्रणाम बा। अभी हाल फिलहाल में आपके कुछ गाने हैं जो बवाल मचा रहे हैं, एक वेव म्यूजिक से रिलीज हुआ है, जरा कुछ एक आध दो लाइन हो जाए उसकी। गाना वेव म्यूजिक से बहुत बड़ा लेवल पर गाना आई रहा है, पति खाते संपत्ति बा। गाना रहे कि पाउडर क्रीम लगा के हम चमकैनी सूरत, एहे जवानी के आके उहे करिए मुहूर्त, की शादी होई तो सज धज के रहब पूरा रेडी, टेंशन न हमरा एको रति बाटे हो कि हमरा कि हमारा पति खातिर सारा है संपत्ति बाटे हो। एक गाना और आपका वेव से आया है कि रात भर दूंगी 500 लूंगी, वो गाना मेरे एक्सप्रेस से है, 500 लूंगी रात भर दूंगी चुम लेना टीम फिल्म से है। जो भी अभी गाना आ रहा है अभी टीम फिल्म से गाना आया है कि तोहर ओठ लगे मधुशाला हो अखियाई शराब के प्याला हो मन करेला देखत रही कोके तोहके जुम चुम लेना चुम लेना चुम। बहुत बड़ा गाना है और 500 लूंगी रात भर दूंगी वो मेरे परदेश पे एक्सप्रेस से छूटा है, 500 लूंगी रात भर दूंगी। वेव से भी शायद ये गाना है आपका? हाँ, वो गाना जैसे कि मेरा चैनल वेव से चलता है लोकधुन से, तो हम पे चलने लगा तो वेव में सर खोल लिया, वो चलिए कोई बात। आपके एक गाना ये कि 500 लूंगी रात भर दूंगी, एक गाना ये और एक गाना जो आपने गाया है कि 2 इंच बढ़ा दीजिए सैया, कुछ ऐसा कुछ गाना है, उसमें बहुत लोग कंट्रोवर्सी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पिया परदेसी जी सनातन धर्म को टारगेट कर रहे हैं। नहीं, उसमें धर्म की कोई बात नहीं है भैया, ओझा तो सनातन धर्म में ही होता है। नहीं, वो ओझा जी वैद्य पर गाना बना है, ओझा जी जैसे झाड़ फूक करते वो नु है, ब्राह्मण का थोड़ा हम इसमें कुछ भी है गाना का। तो इस गाने का मतलब क्या है, क्या इंच बढ़ाने के लिए आप उसमें बोल रहे हैं सैया जी का? कवि जी साथ में आइए हैं, कवि जी से पूछ लीजिए, वो हाइट का बात हो रहा है। गाना है कि बॉबी बोलो का परेशानी बा, कौन बात के तोहरा हानि बा, अरे खुल के सब बतावो कि दिमाग पर हमरा पड़ जाए, तता भेज बना दी हो झाजी सैया के 2 इंच बढ़ जाए, हमारा के देखे तो देखते ही फान के ऊपर चढ़ जाए। तो ये तो हाइट कुछ नहीं लग रहा है, कैसे नहीं है? बॉबी बोला का परेशानी बा, कौन बात और अंतरा में क्या है? अंतरा बात है कि छोड़ा तू सब है फंडा के हो, तेल लगावल कर सांडा के हो, ये सांडा के तेल का उसमें बात हुआ है ना, तो जब छोटा बच्चा रहता है ना तो अधिकांश आप डॉक्टर से चाहे किसी से पूछ सकते हैं, तेल संडे का लगाया जाता है ताकि हाइट जल्दी बढ़े बच्चा का। मतलब भोजपुरी के द्वर्थी का पूरा फायदा उठाएंगे? फायदा क्यों उठाए, कवि जी लिखे हैं तो कवि जी
गलत तो लिख नहीं सकते हैं कुछ भी। कवि जी आपके दिमाग में ऐसे गाने आते कैसे हैं, ऐसा विचार आता कैसे आपके दिमाग में? देखिए सबसे पहले तो मैं जो चीज लिखता हूँ सबके दिमाग में, जहाँ हर चीज चल रहा है, रियल चीज लिखता हूँ मैं, इसलिए लोगों को बढ़िया लग जाता है और चल जाता है। वो चल जाता है जी। और खास कर मैं आपका ही दिया हुआ गाना ज्यादा इनको सूट भी करता है, इनकी आवाज में लगता भी है। और सिंगरों को आप गाना जरूर देते हैं, लेकिन जो जिस तरीके से इनका गाना वायरल होता है, चलता है, वैसे मुझे लगता और किसी का चलता है। हाँ ये तो बात सही। देखिए सबसे बड़ा कि जोड़ी और कॉम्बिनेशन होता है अपना, कि हम लोग का वो है कि जैसे हम बोलते हैं यहाँ म्यूजिक किया जाए, यहाँ वीडियो किया जाए, ऐसे किया जाए, सब चीज प्लानिंग करके करते हैं, और बाकी लोग आए बस हम दे दिए, वो जिनसे गाए जब रिलीज किए, जहाँ से रिलीज किए, कोई मतलब नहीं होता, खाली गाना दे देते हैं। हाँ तो बस यही चीज होता है। जहाँ एक तरफ पिया परदेसी जी बड़े स्टार चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कहते हैं, चाहे खेसारी लाल यादव हो, चाहे पवन सिंह हो, और भी बहुत से जो बड़े स्टार हैं इस समय प्रेजेंट टाइम पे जो भोजपुरी के स्तंभ है, वो कहते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं और हम सुधर रहे हैं, हमने अभी कुछ साल से अच्छे गाने भी लाए हैं जो कि दर्शक देख रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, और अश्लीलता बंद होनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं आप कितना भी लोगों को कन्विंस कर लें कि ये सांडा का तेल बच्चा करता है, सैया जी का हाइट बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन वो जनता तो समझ ही रही है क्या है क्या नहीं। आपको नहीं लगता इन गानों से कहीं ना कहीं समाज दूषित होगा? रावा बताएं, अगर गाना अश्लील रही तो हमारा एक गाना से 5,000 भोजपुरी के चैनल जी होता, 5,000 सिंगर जी गई, अश्लील रही तो 100 मिलियन व्यू जाए गाना के। जब आपको अश्लील लग रहा है तो भाई गाना मत सुनिए, आपको तो हम न्योता नहीं देने जा रहे हैं कि आप। बिहार में दारू बंद है लेकिन फिर भी लोग पीते हैं, गलत चीजों का प्रचार जल्दी होता है। हाँ। गलत चीजें जल्दी तो वायरल होती तो है। हमारे में कमी नहीं है, वो कमी आप में है कि आप क्यों उसको प्रचार कर रहे हैं। जब आप में ये टैलेंट है तो मेरा इतना बड़ा बड़ा गाना भी आया है, वेब से, टीम फिल्म से, बड़ा बड़ा गाना शादी का आया है, कहाँ था मीडिया, कहाँ है पब्लिक? हमसे तो कोई पब्लिक पूछ ही नहीं रहा है कि आप ऐसा गाए हैं। जब मेरा अश्लील रहा था तो 100 मिलियन व्यू जो नहीं करता गाना, ग्राउंड लेवल पर नहीं बजता, 2023 का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है, हम शो नहीं करते हैं, चार चार चैनल पे ग्लोबल चैट पे ट्रेंडिंग में है, एक नंबर पे 2 महीना से कंटिन्यू, लेकिन उसके विषय में कोई कुछ बोल नहीं रहा है, कोई नहीं बोल रहा है और इसके विषय में सब बात कर रहा है। क्योंकि इस विषय में सच में देखा जाए, देखिए ऐसा है ना, ये बात आपकी मैं भी मानूंगा, मैं भी ऑन कैमरा बोल रहा हूँ क्योंकि मैं लड़ाई करने नहीं इंटरव्यू करने आया हूँ। गलत चीजें जो होती है जल्दी वायरल होती है, उसके विषय में ज्यादा लोग चर्चा करते हैं, जो अच्छी चीजें हैं दब जाती हैं, लेकिन हम लोग अच्छी चीजें भी दिखाते हैं। अरे भाई 23 के पहल का राम बांध रो लख एक से एक बांध तैयार तो कमान पहली बार वेब से, टीम फिल्म से, बड़ा बड़ा लेवल के साथ होता है। जब पोस्टर हम छोड़म तो पर लिख दे हिट बा, तो हिट बा, वो हिट है। हाँ हिट है। आपको क्या लगता है कि अभी जो मार्केट में और कलाकार हैं, जैसे कि अवधेश प्रेमी हैं, हमने सुना है कि अवधेश प्रेमी से आपका 36 का आंकड़ा, ये सही है गलत है? नहीं नहीं, हम देखिए हम आज तक किसी भी कलाकार से नहीं रखते हैं, बस ऐसा सुनने में आया इसलिए हम कंफर्म कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, हमें कोई कलाकार से नहीं रहता है, बस हम केवल अपना से रखते हैं। हम किसी को क्यों तुलना करें, कोई हमारे लायक है या नहीं है, तो हमसे कोई 20 रहेगा तब ना उसका हम तुलना करेंगे भाई। मतलब कि आप उनसे आगे हैं? आगे की बात नहीं है, हम किससे क्यों तुलना करेंगे, हम जो हैं जो अपना में बहुत बड़ा ब्रांड है, हम किसी का ना तुलना करते हैं, ना कोई कलाकार ना किसी राइटर के पीछे जाते हैं। आप अपना गुरु प्रमोद प्रेमी जी को मानते हैं, मैंने सुना है, लास्ट टाइम भी इंटरव्यू किया था तो आपने बोला था कि मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ, उनसे आप बहुत कुछ सीखते हैं। अभी हाल फिलहाल में कृष्णा बेदर्दी जी ने उनका साथ छोड़ दिया है, जैसे कि अभी आपके साथ में एक सिंगर को हिट कराने के लिए एक गीतकार का बहुत बड़ा हाथ होता जी, है जी, जी। इसके बारे में क्या कहेंगे आपकी, जब कृष्णा बेदर्दी को सबने छोड़ दिया था जी। उस समय प्रमोद प्रेमी जी ने उन्हें सपोर्ट किया था, उनका ही लिखा हुआ गाना गाते थे, लेकिन आज जी। आज जब उन्हें ज्यादा कहीं पैसा मिल रहा है तो अब प्रमोद प्रेमी जी को छोड़ दिया है। अब देखिए रावा, ये सब तो पर्सनल मैटर भाई, ये सब मैं हमारा का ना करूंगा, अच्छा रहे। आपके गुरु है, आपका रिएक्शन क्या है? नहीं नहीं, तो गुरुजी मेरे गुरुजी हैं, तो अब मेरे गुरुजी का मतलब ये नहीं है कि उनका हम पर्सनल सब बात क्या है, हम वो सब के चक्कर में नहीं रहते। मेरे गुरु है, मेरा काम है उनका शिष्य बनकर रहना, वो क्या कर रहे हैं उसका हम लाइफ का थोड़े मालिक हैं। आपके हिसाब से, आपकी पसंद पूछ रहा हूँ, आपको प्रमोद प्रेमी जी ज्यादा अच्छा लगते हैं आवाज, गाना उनका, या खेसारी जी का गाना अच्छा लगता है? हमें खेसारी से किसी से मतलब नहीं रहते हैं, हमारे लाइफ में सबसे बड़ा वही है, वही रहेंगे, आजीवन है तो आजीवन रहेंगे प्रमोद प्रेमी जी। जी आजीवन मेरे पास, मेरा फेसबुक खोल कर देख लिया, ओनली फॉर स्टार लेवल किसी का पोस्ट होता है ओनली फॉर मेरे गुरु जी के साथ। अभी कुछ दिनों से आप नए कलाकारों के बहुत बड़े आइडल बन गए हैं, अभी 5-6 महीने में आप कि इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग हो गई है, इतना लोग आपको फॉलो करने लगे हैं, खाली मेल ही नहीं फीमेल लड़कियां भी आपको फॉलो कर रही हैं, और मुझे लगता है कि तानिया झा आपको गुरु मानती हैं। नहीं नहीं ऐसा बात नहीं है भाई, हम ऐसा आदमी से किसी से टच नहीं रखते हैं, ऐसा सब गलत बात है।
अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट आपका कौन कौन सा है, कहाँ कहाँ से और गाने आपके आने वाले? अभी होली आ रही है, अभी एल्बम का तो नाम नहीं बताएंगे, लेकिन बहुत बड़ा गाना आ रहा है टीम फिल्म से। चोरी हो सकता है क्या? हाँ चोरी हो जाएगा, लेकिन कोई फर्क नहीं है मेरा, कोई चोरी करके चाहेगा बजवा ले ये नामुमकिन है। भोजपुरी का कोई स्तंभ हो, परदेशी पिया गाना अगर जो चल दिया चाहेगा उठा कर गा लेंगे, ये नहीं हो सकता है। इसलिए जो चैनल से तुम गाते हो उसी चैनल से हम भी गाते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारा मेरा वहाँ चढ़ेगा तुम्हारा तो मेरा नहीं चढ़ेगा। आप भरम है, जो गाएगा मेरा उठा कर नू वो भरम है, वो गलती से वो चला गया था रिया फिल्म में गाना दे चुके थे, नहीं तो मेरा गाना भोजपुरी में कोई फायदा नहीं है, माइक लाल की टच कर दे गा ले उठा कर मेरा संपत्ति, हम किसी का छेड़ते नहीं है। अगर गा दिया तो क्या करेंगे पिया परदेशी? गा दिएगा तो चैनल से हाथ धोएगा, भेटाएगा तो देश हाथ जाएगा, उसको गाने लायक नहीं छोड़ेंगे उसको। अच्छा उसको मारेंगे आप? मारेंगे तो वो वही समझेगा, मिलेगा तब ना उसको पढ़ाएंगे, क्योंकि भोजपुरी में तो अक्सर गाना चोरी होता है, होता ही रहता है। देखिए मेरा एक ही असूल है, मेरा हक है, राय से मांग रहे हैं, आप दीजिएगा तो दीजिएगा, नहीं दीजिएगा तो मेरे पास उतना क्षमता है आपसे छीन सकते हैं, आपसे ले सकते हैं, आप छीन सकते हैं, मेरे पास उतना है टैलेंट। स्ट्रगल पीरियड आपका कुछ दिनों से मैं आपको जानता हूं, आपको मैं भी फॉलो करता हूं, देखता हूं क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। आपकी जो रफ्तार है गाड़ी में एक नंबर दो नंबर तीन नंबर चार तक होता है, कभी कभी किसी में पांच बैक गियर होता है, लेकिन आपने अपने जीवन में इसमें 20 नंबर गियर लगा रखा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? 32 नंबर तक गियर लागल बस साथ में, कभी जीवानी ना अरे भैया के साथ में आओ ता बहुत बड़ा बड़ा हिट गाने आ रहे हैं। 23 में तहस नहस बा, 23 में तहस नहस है, तहस नहस कह के हिट बा, आवत है वो गाना जस्ट पोस्ट हो बहुत जल्दी, पोस्ट करब अब लिख देव कि हिट है। वो वीडियो देख हम कोई लाके बा, हम ना लिखे कि हमारे इतना बा, उस पब्लिक जानते हैं कि हम का बने। अवधेश प्रेमी जी का अभी 1,00,000 का वीडियो आया है, बड़े भाई है, उस सबसे हमें मतलब नहीं रहता है, हम क्या कोई कलाकार क्या करे उसे हमें मतलब नहीं। आप नहीं, सोशल मीडिया में ऐसे लोग कमेंट करते हैं, कहते हैं कि अवधेश प्रेमी से पिया परदेशी जी का कंपटीशन चल रहा है, ऐसा बात नहीं है, सब लोग भाई भाई, क्योंकि उनका 1,00,000 का वीडियो आया ना, तो इसीलिए आपने बोला अभी कि देखिए कितने लाख का वीडियो होता है। कोई बात नहीं, आप खुद पूछ लीजिएगा, मुलाकात होगा भाई से तो आप पूछ लीजिएगा, ऐसा कोई बात नहीं, हमें कोई कलाकार से ना जलना रहता है और ना मतलब रहता है, आप मिले प्रणाम भैया प्रणाम भैया, बस इससे ज्यादा नहीं। मतलब फ्यूचर अभी आपकी प्लानिंग क्या है? अभी एल्बम तो आप कर ही रहे हैं और मुझे लगता है कि सिनेमा तो खत्म ही हो गया है भोजपुरी में, जहां तक देखा जाए फिल्में जो बड़े स्टार हैं उन्हीं की चल रही है, और अभी आपके गाने सच में जैसे कि अभी बोल रहे हैं गीतकार जी कवि जी की अगर लिख दिया हिट तो हिट है, आपके गाने बज रहे हैं और अभी बड़ी बड़ी कंपनी से आपके गाने आ भी रहे हैं। टारगेट यही है कि जिस चैनल पर जाएंगे उस चैनल पर हिट देना है सबसे बड़ा ये टारगेट, कोई चैनल से जुड़ेंगे उस पर हिट देकर 10-20 मिलियन 50 मिलियन दे के उसके बाद उसको छोड़ेंगे। क्या टारगेट खेसाही लाल यादव उनको पीछे छोड़ देना है? नहीं नहीं, फिर देखिए बीच में घुसा रहे हैं, हम इस सब में विवाद में नहीं चाहते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन ये मेरा टारगेट है, अभी तक 12 चैनल पे गाए हैं, 12 चैनल पे 10-10 मिलियन व्यू, अब बजवा कर हटे हैं, रिकॉर्ड सबसे बड़ा, बे में सबसे पहले जुड़े थे तो हिट था सरिया खुल जाता, ये दूसरा गाना पति संपत्ति हिट है, तीसरा राम बन जा रहा है, और ये सब भी तो आया है ना अभी आपका 500 दूंगी रात भर दूंगी, तो वही 2 इंच बढ़ा दीजिए सब आ रहा है। 23 में कभी जिसे पूछ ली तहस नहस बा, सच बोल रहे हैं ये, तहस नहस होगा? हाँ वो तो पक्का फिक्स बा, सबको पीछे छोड़ देंगे? नहीं ऐसा कुछ सबसे मतलब नहीं है, हमें जो रफ्तार है उसे मतलब 20% और आगे चल रहा है, खुद के कॉन्फिडेंस पे कह रहे हैं कि मतलब ऐसा है कि कुछ ऐसा तैयार हुआ है कि पक्का बजेगा। अरे घर के मानी ऐसे हम थोड़ा समय निकाल के इंटरव्यू देते नहीं ना, तो हम भैया जानते मानी हम इस सब में बड़ी दूर रही। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया इसके लिए तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, और आप 23 में ही नहीं 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 सब ब्लास्ट होइए, क्योंकि भोजपुरी के दर्शक भी थक चुके हैं 2-3 नाम सुन के उन्हीं को देख के, लेकिन यकीन मानिए आप अभी मार्केट में ग्राउंड लेवल में बज रहे हैं, अश्लील गाना बजे अच्छा गाना बजे जो भी बजे और जनता क्या सोचती है, लेकिन 2-3 गाने ऐसे हैं जिसकी वजह से बवाल विवाद हो रहा है, लेकिन ठीक है सब गा रहे हैं आप भी गा रहे हैं, हम आपको जबरदस्ती रोक नहीं सकते हैं जब तक इसमें कोई सेंसर कानून नहीं आएगा, आप कोई एक आध दो गाना आपका जो भी बवाल मचा रहा है सुनाना चाहेंगे? वही अभी जो लेटेस्ट हिट चल रहा है कि बबी बोलो का परेशानी बा, कौन बात के तोहरा हानि बा, अरे खुल के सब बतावो कि दिमाग पे हमरा पड़ जाए, तो तबीज बना दी ओ झाजी सैया के 2 इंच बढ़ जाए, हमारा के देखे तो देखते ही उफान के ऊपर चढ़ जाए। और होली के गाना 1-2 दिन में रिलीज होने वाला है, कहाँ से आएगा वो? हो सके गाना तो
परदेसी पे एक्सप्रेस से आएगा गाना। ये आपका ऑफिशियल चैनल है जी? आप मेरा पर्सनल परदेसी पे ऑफिशियल चैनल है जो वे म्यूजिक से मैनेज होता है, उससे होली गाना आपको सुनने को मिलेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए हमारे साथ पिया परदेसी जी और योगेश जी हैं, दोनों की जोड़ी हिट है और सच में इनके गाने बवाल मचा रहे हैं। गाने तो सभी गा रहे हैं, ये भी गा रहे हैं, लेकिन ये जो बता रहे हैं जिस हिसाब से गाना इन्होंने गाया, ये बता रहे हैं कि हम वो हाइट की बात कर रहे हैं, लोग अपने दिमाग में कुछ और सोच रहे हैं। आपको क्या लगता है, ये सही बोल रहे हैं या फिर गलत बोल रहे हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये इंटरव्यू अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और पिया परदेसी जी को फुल सपोर्ट करें, क्योंकि अब बहुत जरूरी है भोजपुरी इंडस्ट्री में नए स्टार की। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद। सब भैया का प्रणाम। आज जितना भी भैया देखा नहीं आप सब न्यूज चारू चैनल के बिनती रिक्वेस्ट है, जितना भाई का दुलार पर आशीर्वाद देता नहीं, चारू चैनल अपना घर के बाप सब दुलार पर आशीर्वाद दी सब भाई के प्रणाम।